मैं उन सवालों के साथ आया हूं जो सवाल मनोज झा जी ने सदन के सर्वोच्च सदन में उठाया है। आपने भी सुना होगा, मैंने भी कई बार सुना। मनोज झा जी, जितना हम जानते हैं, आप प्रोफेसर हैं और आप अपने को समाजवादी भी कहते हैं और समाजवादी दिखाते भी हैं, लेकिन आपने जो क्षत्रिय समाज को एक ठाकुर के रूप में जिस तरह से चरित्र चित्रण किया, आपने चूल्हा की बात की, चूल्हा जिस मिट्टी का, वो मिट्टी ठाकुर का, तालाब ठाकुर का, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, अनाज ठाकुर का, गली ठाकुर का, मोहल्ला ठाकुर का, हमारा क्या है। और ठाकुर ने जो आपको सम्मान दिया और देते आ रहे हैं सदियों से, कृतज्ञ हैं आप, उसकी चर्चा तो आपने नहीं की। और मनोज झा जी सिर्फ कुआं, तालाब, गली और मिट्टी नहीं, आपको बताना होगा उन 565 रियासतों का क्या, जो आपके शब्दों में ठाकुर समाज के लोगों ने इस देश को दान में दे दिया, उस 43 गढ़ का क्या जिसे हमने समर्पित कर दिया इस देश के लिए, उन 18,700 किले का क्या जो इस देश के विभिन्न इलाकों में आज भी खंडहर के रूप में और बड़े बड़े आधुनिक आजाद भारत में बने बड़े बड़े इमारतों के नींव बनकर आज भी देश में हैं, और उस 40 लाख एकड़ जमीन का क्या जो इसी ठाकुर समाज के पूर्वजों ने इस देश के लिए समर्पित कर दिया। और सिर्फ किला, जमीन, गढ़ और रियासतें नहीं, उस खून का क्या आपके शब्दों में जो ठाकुर जिसे मारने की बात कह रहे हैं आप, उनके उस लहू का क्या जो उनके पूर्वजों ने इस देश के तिरंगे के लिए, इस देश के सम्मान के लिए, इस देश के आजादी के लिए उत्सर्ग कर दिया, उसकी चर्चा तो नहीं की आपने। मित्रों, ये वही हैं मनोज झा जी, समझते हैं हम लोग। और हम बताना चाहेंगे साथियों, ये उसी नस्ल के लोग हैं जिन्होंने इस देश से के इतिहास में छेड़छाड़ करके हमारे कुर्बानियों को, हमारे शहादत को, हमारे त्याग और बलिदान को धूल धूसरित करने का काम किया है। ये उसी नस्ल के लोग हैं जिन्होंने अकबर को, दी ग्रेट अकबर, और महाराणा प्रताप को सिर्फ एक पहलवान साबित करने की साजिशें रची है। ये वही लोग हैं जो फिल्मों में क्षत्रिय समाज के लोगों को ठाकुर बनाकर और एक खलनायक का चरित्र चित्रण लगातार करने का काम किया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे त्याग, बलिदान और शहादत से इस देश के लोगों को भ्रमित करने का काम किया है और करते आ रहे हैं, आज भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन मनोज झा जी, सूर्य पर थूक फेंकने से सूर्य गंदा नहीं होता। क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास, आप कहते हैं गली और मिट्टी की बात, अरे इस देश में मंत्रालय से लेकर शौचालय तक जो कुछ भी बने हैं वो इसी ठाकुर समाज के द्वारा दान में दिए गए जमीन पे बने हैं, इसकी चर्चा तो नहीं की आपने, इसकी बात तो नहीं की आपने। इसी ठाकुर समाज का बेटा महाराणा प्रताप बनकर जब घास की रोटी खाकर इस देश के स्वाभिमान की हिफाजत करता है, उसकी चर्चा तो नहीं करते आप। इसी ठाकुर समाज का बेटा जब 80 वर्षों की उम्र में हाथों में तलवार उठाकर आजादी की लड़ाई का प्रथम शंखनाद करता है, तो उसकी चर्चा आप नहीं करते, उसकी चर्चा आप कभी नहीं करते, इसकी चर्चा आप नहीं करते कि इस समाज के, इस ठाकुर के सिर्फ पुरुषों ने नहीं, महिलाओं ने भी जरूरत पड़ी जब भी इस देश के सम्मान के लिए, गौरव के लिए, जब पति युद्ध में अपनी पत्नी के प्रेम से विमुख होने लगा, तो इसी ठाकुर की बहू और बेटी ने हाड़ा रानी बनकर अपना सर अपने ही तलवार से काटकर अपने पति के सामने प्रस्तुत कर दिया कि आप युद्ध भूमि से पत्नी के मोह में विमुख मत होइए। आपने इस परंपरा की जिक्र तो नहीं की। जब इस देश के मर्यादा के लिए, अस्मिता के लिए सामूहिक रूप से रानी पद्मावती के नेतृत्व में इस ठाकुर की हजारों बहू और बेटियां सामूहिक रूप से जौहर करके इस देश के इतिहास को गौरवान्वित करती हैं, तो इसकी चर्चा तो आपने नहीं की। आप ठाकुर को मारने की बात बोल रहे हैं, अंदर की ठाकुर को, किस चीज का प्रतीक है ठाकुर,
आप क्या कहना चाह रहे हैं, सर्वोच्च सदन के माध्यम से आप देश को क्या बताना चाह रहे हैं। सबरी की जूठा बैर खाकर मर्यादाओं की स्थापना करने वाला भी ठाकुर सत्य की स्थापना के लिए अपने पुत्र के निधन पर अपने पत्नी के आंचल को फाड़कर कफन लेने वाला भी ठाकुर, और तो और आजाद भारत में गरीबों दलितों वंचितों शोषितों उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देने वाला बीपी सिंह भी ठाकुर, इसकी चर्चा तो नहीं कर रहे आप। बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे मनोज झा जी, इतना जरूर कहेंगे छेड़िए मत, हमने देश के लिए शहादतें दी है, हम औरों के हिफाजत के लिए अन्य वर्ग के हिफाजत के लिए कुर्बानियां देने वाले कौम हैं, लोग हैं, हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते, और हमारे सम्मान पर जब आप हमला करेंगे तो हम चुप भी नहीं रह सकते। आपको पता होगा पानी जब अपनी मर्यादा तोड़े तो नाश विनाश, और एक क्षत्रिय जब अपनी मर्यादा तोड़ेगा तो सर्वनाश। ध्यान रहे हम चुप हैं कमजोर नहीं हैं। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।